देखो एक बात बड़ी पते की है, मैंने गुरु चरणों में रहकर समझी है कि भगवान ने मनुष्य का निर्माण इसलिए नहीं किया कि मनुष्य संसार के भोगों को चाहे और संसार को अपना माने, इसलिए नहीं किया है। संसार का निर्माण भगवान ने मनुष्य के लिए किया, पर मनुष्य का निर्माण भगवान ने इसलिए किया कि वो भगवान को चाहे और भगवान को अपना माने, इसलिए किया है। पर गलती ये हो जाती है कि व्यक्ति शरीर आदि में आबद्ध होकर संसार को और भोगों को चाहने लगता है और संबंधियों को अपना मानने लगता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि मृत्यु हो जाती है, संबंधी छूट जाते हैं, परंतु अपनेपन की भावना रह जाती है, फलाना मेरा, फलानी फलानी मेरी, ये रह जाता है। इसलिए मैं एक भजन पहले गाया करता था, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, हरिद्वार के पथिक जी महाराज का लिखा हुआ है। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। बड़ा ऊंचा शब्द है नित्य विद्यमान, सदा विद्यमान शरीर नहीं रहेगा, भोग नहीं रहेंगे, भगवान सदैव विद्यमान रहते हैं। उसको जो चाहे वो सच्चा विद्वान है। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे। और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। यूरोप में आज से कुछ साल पहले, कितने साल पहले मुझे याद नहीं है, पर कुछ साल पहले अपराधी को कैसे सजा देते थे पता है? उसको लेटा देते थे, चार घोड़े ले आते, चारों दिशाओं में खड़े कर देते,
और अपराधी का एक हाथ घोड़े के पैर से, दूसरा हाथ दूसरे घोड़े के पैर से, एक पैर उधर जो घोड़ा खड़ा है उसके पैर से, उसका दूसरा पैर दूसरे घोड़े के पैर से, चारों दिशाओं में चार घोड़े हो गए, बांध दिया उसके हाथ पैरों को, फिर घोड़ों को चाबुक फटकारते जोर जोर से, तो घोड़े तो दौड़ेंगे भड़केंगे। अब चार तरफ चार घोड़े और उसकी क्या हालत होगी वो आप सोचो, तड़प तड़प के बेचारे के हाथ पैर टूटते मर जाता, ऐसी सजा देते थे उसको। यूरोप में अभी भी क्वार्टर रिंग के नाम से जाना जाता है उस सजा को, क्वार्टर रिंग। अब उसको तो चार घोड़ों से बांध कर खींचते थे, पर आजकल लोग देखो खुद न जाने कितने घोड़ों से बंधे हुए खींचे चले जाते, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श का, ये इंद्रियां घोड़े हैं खींच रही है, जरा ये देख लूं, जरा ये फिल्म देख लूं, जरा ये गाना सुन लूं, जरा ये खा लूं, जरा ये इंद्रियां रूपी घोड़े भी कई दिशाओं में खींच रहे हैं। और झूठ इतना सच लगने लग गया कि पता ही नहीं चलता। एक आदमी, उसने हत्या की, हत्या के आरोप में जब वो पकड़ा गया, उस पर केस चला, तो अब उसके भी वकील और वो भी दूसरे पक्ष के भी वकील, ऐसी दलीलें होने लगी, ऐसी गवाही गवाहों के द्वारा दी जाने लगी, दोनों तरफ के एकदम मजबूत थे वकील और गवाह। कई वर्षों तक केस चला, न्यायाधीश का दिमाग चकरा गया कि मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, दोनों एक से एक गवाह हैं, दोनों के वकील भी एक से एक तर्क देते हैं, अब मैं करूं क्या, मैं क्या निर्णय लूं कि इसने हत्या की कि नहीं की। आखिर न्यायाधीश ने एक दिन थक कर उस आदमी को बुलाया और हाथ जोड़े न्यायाधीश ने कि मैं थक गया, इतने साल बीत गए अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तुम लोगों की गवाही, उनकी गवाही, तुम्हारे वकील, उनके वकील, सच बात क्या है तू बता दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तूने हत्या की है। वो बोलने लगा कि साहब अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरे कोई पता नहीं रहा कि मैंने हत्या की या नहीं की, इतना मैं इनकी गवाहियां और बातें सुन के मैं खुद उलझ गया हूं, झूठ भी सच्चा होकर लगने लग गया, इतना उलझ गए कि वही सच्चा लगता है, बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं। कराग्रे वसते लक्ष्मी भूल गए, कर मध्य सरस्वती भूल गए, कर मूले तू गोविंदम भूल गए, पर कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। इसमें मजा आता है। उलझन बढ़ा ली है लोगों ने, पर जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसने गुरुवर को ध्याया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी, जो गुरु को ध्याता है वो यहां भी सुखी पर लोक में भी सुखी हो जाता है। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी पर लोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी पर लोक सुखी, परम पिता माता गुरुवर है, परम पिता माता गुरुवर है, सबके दाता श्री 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 गुरुवर है, जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी पर लोक, हरि ओम 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 हरि ओम।
शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी, 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 जिसे मिले गुरु प्रेम की छाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसे मिले गुरु प्रेम की छाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी। हरि ओम 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 हरि जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं, जिसने इनको अपनाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसने इनको अपनाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है, करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु है, गुरु चरणों में मन को लगाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी, गुरु चरणों में मन को लगाया लोक सुखी पर लोक लोक सुखी पर लोक सुखी, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मन के विषय विकार मिटाते, 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 घट में आनंद ज्योत जगाते, घट में आनंद ज्योत जगाते, घट में हरि की ज्योत जगाते, घट में हरि की ज्योत जगाते, गुरु ज्ञान है जिसको भाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी, गुरु ज्ञान है जिसको भाया यह लोक सुखी पर लोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम कितनों का उद्धार है करते, 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 बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भर
करते मन में इन्हें बिठाया इहलोक सुखी परलोक सुखी जो मन में इन्हें बिठाया इहलोक सुखी परलोक सुखी जो मन में इन्हें बिठाया इहलोक सुखी परलोक सुखी जो मन में इन्हें बिठाया इहलोक सुखी परलोक सुखी हरिओम 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 शोक मोह को दूर भगाते शोक मोह को दूर भगाते सबको हरि का रंग लगाते सबको हरि का रंग लगाते जिसने गुरुवर को पाया इहलोक सुखी परलोक सुखी जिसने गुरुवर को पाया इहलोक सुखी परलोक सुखी मैं मेरे का भरम मिटाते मैं मेरे का भरम मिटाते चौरासी के चक्र हटाते 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 जिससे मिले गुरु प्रेम की छाया इहलोक सुखी परलोक सुखी जिसे मिले गुरुवर की छाया इहलोक सुखी परलोक सुखी हरिओम 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 मेरे राम 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 भगवान का नाम और गुरु के मुख से मिले अग्नि पुराण में लिखा है अग्निदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं कि साधारण व्यक्ति कोई पंडित कोई कथावाचक हमको मंत्र दे तो वो मंत्र अक्षरों का समूह मात्र है क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है। कुलारणव तंत्र में आया है चैतन्य रहिता मंत्रः प्रोक्तः वर्णास्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपादपि उसका कोई फल नहीं होता। पर अग्निदेव कहते हैं वही मंत्र कोई तत्वज्ञानी गुरु जब दे देते हैं तो वो मंत्र चैतन्य सहित हो जाता है वो जागृत मंत्र हो जाता है जापक का परम मंगल कर देता है। फौला दी है बाहें हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें भाग्य के भरोसे बैठे रहना ये कायर आदमी की पहचान है। कष्ट मुसीबत कठिनाई ये कायरता से भरे हुए लोगों ने शब्द रचित किए हैं। बाकी ये कोई कठिनाई कोई कष्ट निर्धनता और अपयश और कष्ट की पीठ पे लात मारकर यश धन और स्वास्थ्य को अपनी मुट्ठी में कैद करने वाला ही इस धरती पर वीर कहलाता है और उन्हीं लोगों का तो इतिहास बनता है। मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है मेरी जन्म पत्री में ऐसा लिखा अरे भले लिखा जन्मपत्री में होने की बात लिखी है करना हमारे हाथ में है करना इंसान के हाथ में है। ऋग्वेद में लिखा है अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर ये मेरा हाथ भगवान है अयम में हस्तो भगवान ये वेद का वचन है। विकार में भयभीत चिंतित और दुखी होकर जीवन जी रहे हैं। एक छोटा बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था खेलते खेलते तीन साल का बच्चा खेलते खेलते पनघट बिना के कुएं में जा गिरा धड़ाक से। किसी का ध्यान नहीं बच्चे की चाची कुएं पर पानी भरने को आई तो बच्चे को देखा उसने शोर मचाया बच्चे का बाप आया बच्चे की माँ आई
बच्चे को मेहनत करके निकाला, बच्चे को पूछा बेटे तू कितनी देर से गिरा था, बच्चा बोला कि चाची ने देखा उसके पहले भी काफ़ी देर से। तो बाप ने कहा बेटे पानी तो गहरा है, तू डूबा नहीं? बोले मैं डूबता कैसे, गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट जो था वो हाथ में पकड़ के बोला कि तारण हारे मेरे साथ थे तो मैं डूब कैसे सकता था। वो बच्चा आज तो 7 साल का हो गया होगा, अनूपपुर है एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, वहाँ की ये घटना है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु के मुख से सत्संग मिलता है, और सत्संग सुनने के बाद जो सुने हुए वचनों का मनन करता है वो बहुत ऊंचा उठता है। उस साधक के मन में संयोग की आशा नहीं रहेगी। संयोग की आशा न करने से, अर्थात जिसका वियोग अनिवार्य है उसकी वासना का त्याग करने से, संयोग काल में ही वियोग देखने से हृदय में निर्वासना आ जाती है। निर्वासना, निर्विकारिता, बड़ी ऊंची स्थिति है ये। एक संत विदेश में गए प्रवचन करने, तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि महाराज आपने शादी क्यों नहीं की, आप दिखने में ठीक ठाक हैं, कोई बुरे नहीं लगते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा हैं, तो आपने शादी क्यों नहीं की, कोई लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती ऐसा हमको नहीं लगता, आपकी इच्छा नहीं है शादी करने की, ऐसी बात है क्या? महाराज ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी इच्छा तो बचपन से ही थी कि कब बड़ा हूँ और शादी करूँ, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? तो संत ने कहा कि भैया क्या करूँ, शादी करने के लिए दो की ज़रूरत है, दूल्हा और दुल्हन, वर और कन्या, दो की ज़रूरत है, मुझे दूसरा दिखता ही नहीं, मैं शादी किससे करूँ, मुझे एक ईश्वर ही ईश्वर दिखता है, एक ब्रह्म दिखता है, द्वितीय नास्ति, मेरे को दूसरा दिखता ही नहीं, मैं शादी किससे करूँ। कैसी ऊंची स्थिति। तो संयोग काल में ही वियोग देखने से हृदय में निर्वासना आ जाती है, और ज्यों ज्यों वो निर्वासना स्थायी होती जाती है त्यों त्यों हृदय में निर्वैरता, निर्भयता, निसंकल्पता, समता, मुदिता, ये दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए जीवन जन्म मिला था वो काम हो जाता है, वस्तुओं का चिंतन निकल जाता है, और जिसके मन से वस्तुओं का चिंतन निकल जाता है उसके मन में प्रीति की गंगा लहराने लगती है, भक्ति की गंगा लहराने लगती है, और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें कफन में जेब नहीं होती, जो कुछ साथ में लेकर जाए सब यहीं रह जाएगा। सिकंदर मरते समय बोला था कि मैं भिखारी होकर मर रहा हूं, तो जरा 7 दिन मौन रहकर मीरा की तरह, मीरा कहती थी मारा जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती, हे मेरे जन्म मरण के साथी मैं तुझे भूल नहीं पाती। पर हम लोग क्या करते हैं, जन्म के बाद जो साथी बनाए उनको भूल नहीं पाते, और फिल्में भी ऐसी देखते हैं, गाने भी ऐसे सुनते हैं, बस नहीं। ये मौन मंदिर और आश्रम की पवित्र तीर्थ भूमि, मैं गाता रहता हूँ, मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे लिए तो, साधकों के लिए तो वही तीर्थ है। गुरु गीता जो पढ़ते होंगे उन्होंने प्रारंभ में जो मानस पूजा के श्लोक है उनमें पढ़ा होगा कि तीर्थानी दक्षिणे पादे वेदास तनमुख रक्षिता, सारे तीर्थ गुरु के दाएँ चरण के अंगूठे में बसते हैं। विचारशील साधक इसका लाभ उठा लेते हैं, पर विचारहीन व्यक्ति साधन को साध्य मान लेते हैं और साध्य से विमुख होकर भोगों में आसक्त होकर बेचारे अधोगति को चले जाते हैं। पर आप बुद्धिमान हैं, कितनी देर से आप शांति से बैठे रहते हैं, कितने घंटों तक आप बैठे रहते हैं, निराभिमानिता, जहाँ जगह मिली बैठने को बैठ जाते। कोई कोई ऐसे भी होंगे मैं मानता हूँ कि जिनको घुटनों के दर्द की तकलीफ होगी, ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ पाते होंगे, पर ऐसी बुजुर्ग माताएं और ऐसे बुजुर्ग सज्जन भी घंटों भर नीचे बैठे रहते हैं, कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं, बैठ जाते हैं,
जिनको जोड़ों के दर्द की शिकायत हो वो लोग वायु मुद्रा का अभ्यास करें। हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे गादी वाला भाग है वहाँ रखें और अंगूठे से उंगली को दबा दें अच्छी तरह से। तीन उंगलियां सीधी रखें और हाथ घुटनों पर रखकर वायु तत्व का बीज मंत्र है य ऊपर बिंदी यम 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 बोलकर इसका जप करना होता है, माला से नहीं, वायु मुद्रा और वायु तत्व का बीज मंत्र, तो वात संबंधी रोग मिटाने में मदद मिलती है। और वायुवर्धक चीज़ें न खाएं, आलू गोभी फल दही लस्सी ये सब वायुवर्धक चीज़ें न खाएं, और ये वायु मुद्रा वायु तत्व का बीज मंत्र वात संबंधी रोग मिटाने में बड़ी मदद मिलती है। गुनगुना पानी पिए, ठंडा न पिए, रात को सोएं तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोएं, स्वास्थ्य बढ़िया होता है। विष्णु पुराण में लिखा है जो दक्षिण की ओर सिर करके सोते हैं उनकी आयु बढ़ती है और उनके घर लक्ष्मी आती है। घर में दुकान में पांच चीज़ों को मिलाकर स्वस्तिक बनाओ, गौमूत्र देसी गाय का हो, हाँ, गंगा जल दूसरी वस्तु, हल्दी चौथी वस्तु, कुमकुम और पांचवी वस्तु शुद्ध गुलाब जल। गौमूत्र गंगा जल हल्दी कुमकुम और गुलाब जल इनको मिलाकर स्वस्तिक बना दे घर में दुकान में फैक्ट्री में, शुभ होगा। आपकी बेटी अगर समझो किसी की बेटी शादीशुदा ससुराल में कष्ट पाती है अगर, तो क्या करे, बेटी ससुराल जाए, मायके आती है ना बेटी, जब ससुराल जाने को तैयार हो घर से बाहर निकले तो एक लोटे में पानी भर के थोड़ी हल्दी डाल के बेटी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर लोटा पानी उछाल दें बाहर, फिर बेटी को विदाई दें, बेटी खुश रहेगी। और शुभ संकल्प करें बेटी के लिए, बेटी खुश रहेगी ससुराल में, सुखी रहेगी। बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, बोले मंगल का ग्रह है क्या करें, युवा धन सुरक्षा में लिखा हुआ है पुस्तक में, मंगल है तो मंगलवार का व्रत करें और ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, तो मंगल की शांति होती है और उसके विवाह की बाधा दूर हो जाती है। कोई लंबी चौड़ी विधि या खर्चे करने की जरूरत नहीं है। कोई कहे तुम्हारे ऊपर शनि की नज़र है, शनि की नज़र है इसलिए कष्ट बाधाएँ चल रहे हैं, लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डालकर गले में पहन ले, गुरु मंत्र का जप करे, कोई लंबी चौड़ी विधि करने की जरूरत नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, वो भगवान नाम जप करने की जरूरत है बस, क्यों ज्यादा झंझट में पड़ना। वैसे महंगाई का जमाना, आवक के साधन कम और उस पे भी फिर खर्चे बढ़ाना, नहीं नहीं, आनंद में रहे और जप बढ़ा दे, साधना बढ़ा दे, सुबह जल्दी उठकर मौन आदि बढ़ा दे, प्रार्थना का समय थोड़ा बढ़ा दे, फिर क्या झंझट है। पूज्य बापू जी पधारने ही वाले हैं, हम लोग तब तक ओमकार का जप करें, शांत हों।